रुक्की दुखी जानी रोला सगन लाटी यानी खोला नीले सफर में देश आने कभी मिली के आटा मगा पकड़ खोला वो कृपया संपर्क मत करें, अपने खेतों में लगले बोते हैं और फिर खाएं। हमने थोड़ा ना देने के लिए वो कर रखे हैं, हम किसी को नहीं देंगे। कोई चोरी करा तो अब बैठे स्वामी जी झाड़ू मान, क्योंकि मैं इच्छा जाऊँ स्नान कर वजह से मैं थोड़ा कपड़ा परे झाड़ू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग चुप्रभात आप सभी। तो मेरे प्रणाम में नीलम राणा स्वागत करता हूँ आपको अपने एक नई ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत होनी सुबह की 8 बजे और हमारा बेडरूम सी, और अभी फाइनली नाश्ता पानी निपट गई, मैं भांडा भुंडा भी धो लेन और अभी मैं रूम में बैठूँ और सोचणू छूँ कि क्या किया जाए। और मतलब सबुन नाश्ता पानी के लिए फिलहाल सभी अभी घर है बचिन और एक बात देख दन के क्या कर दन। और मेरी हालत कुछ सवेर सवेरे जो वहीं ना सिंदूर भरी ना बिंदी लगाई, अभी ओनली मुख धोए, बाकी कुछ भी नहीं करे। और बाकी अभी तो बैठिया छिन, देखा स्वामी जी और ससुर जी बहर बैठक में बैठिया और मैं अभी भीतर हुआ रूम में जो थोड़ा झाड़ू लगूँ। मैं कथा का डर की तो शायद बंद आ रहा है और अभी फिलहाल तो रूम में बैठे हैं, देख दन अग्नि क्या क्या होंगे क्या क्या कर दन। और रात को वे आज भयंकर बरखा, तो मौसम बदलियों बदलियों से आज धूप भी नहीं ज़्यादा और अभी बरखो भी कोई चांस नहीं क्योंकि रात भरी बरखा हुए। अभी फिलहाल मौसम ठीक ठाक ही जा। और एक मच्छर उसी हुए क्यों मैं भयंकर परेशान घूम का ना, मैंने एक मच्छर मारी घूम करे करे इतने शरीर दिमाग दे पड़े ली मच्छरों एक घूम एक कर 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 की आवाज़ बोले तो चूहन भी परेशान के लिए हमारा रूम में घुस गई चूहा अतः इनके लिए बहुत परेशान। मैं आप लोगों से बताऊँ काक्ष बैठी हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहो अभी बताऊँ मैं आप लोगों से कि चूहा कक्ष बैठो काक बेटी देखी कर 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 के आवाज चोनी वे भी बताऊँ मैं आप लोगों में, तब तक वीडियो में बने रहो। अलमारी परन चोनी चूहे की आवाज़ और याद चल रखे मेरा चूड़ा निस और एक जो सैंडल तो मैं सादी सैंडल या भी काट ली या परन बोल छो मैं ना भी ना धारी में वो काक बाल दे अंधेरा मत देखे वो छा छो हट जा बस ना पे वो चप्पल छिपा दे ये सच है लगड़ी हूं या यू काटे मोसा ने या देखा मैं चप्पल ले ये तो ये भीतर का दे या यू चकाटी हूं ये भी भगवान से ये चकाटी हूं और एक तेरा के कलेन मतलब यो का करा दी था या कोट पैंट दागड़िया का तो पूरा यान एतर बटू पूरा से काटे हो ऐसा था ये भी उपयोग के साइन डाल चलते ये या परन बीच काटे या परन बीच काटे या एतर परन बीच काटे और तब बर्बाद चना तो मुसो करो को ये का थिएटर ये क्या बोल बाल बाल बच्चे आप मोटे की थे मुसो लेकिन मान में पक्का चसो मुसो क्योंकि अब हम दो ना सारा ढूंढे नीलू पजामा से ये मैं सिलना दे निकाय ना आजकल घरों पहना दे सूट क्या बोल ये दे मैं नहीं चपा लिया भी चकाटी या मैं ना जी एक बार भी नहीं फेरी ये मैं पांच सिले आई है चुमा या खान भी दिया काट दिया या खान सुत सु करवे तो ही नहीं है कभी आता नहीं काटी क्या
नंबर में कट से ले आयो भाई मैं तो बैठे नहीं ढाई सौ डेढ़ सौ की चप्पल छानी है देखो एक बार भी नहीं पहले ना काट ले फोन काट लिया नहीं घर फोन पहना तो ये कोई आप फिर पूछ चाहिए कोई गाय आप कार्य हो हरी भी सारा सांग तो बेटे जान को दे रही चॉकलेट जाम मोसा हमने गाय मोसे को देने चॉकलेट नहीं चॉकलेट से मोसा नहीं तो मैं एक दिन सकता जाम नहीं चॉकलेट और अब बैठे स्वामी जी झाड़ू मान क्योंकि मैं छो जाऊं स्नान कर ते वजह से मैं थोड़ा कपड़ा परे काट दूं तो ये झाड़ू बैठे क्योंकि पहले और ये मारो तो थोड़ा बहुत अपन तो माने आई कहां गल दिया ये के छोड़िया अभी मशीन पे जा क्या बोल जी मशीन में से ले छो मानो मशीन नहीं उठूं जरा ये हम डाल ना 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 तो ये नीचे साफ ओ नो गाइस देखो कैसा जुल्म हो रहा है ये देखो गाइस लुक ये बेनाम नहीं बना नो पहले अपने मुसों को समझाओ भाई ये मुसे हमारे यहाँ मेरी चप्पल काट रही उन्होंने कहाँ से लाए बेरोजगार लोग हैं हम कहाँ से लेके आए हम इतनी चप्पल दो तीन जोड़ी काट दी बनी है चप्पल भगवान चाहे कृष्ण जगन्नाथ दादागढ़ियों अभी टाइम हो गए 11:30 और 11:30 बजे मैं नहे नुए एक एकदम रेडी और आप तैयारी कर दन लंच बनाने की स्वामी जी और ससुर जी अभी जाए सगड़ अपन देख दन क्या बनाऊँ और ये के बाद लंच वगैरह बनाऊन तब तक वीडियो में बढ़िया रहो दादागढ़ियों फाइनली हमारे लंच बैंड है कि और स्वामी जी मैंने मतलब भात चढ़े थी और स्वामी जी आप सुखाना स्वामी जी आप सुबह होना लौकी के कोफ्ते बन क्या बन होना कोफ्ते लौकी के कोफ्ते हमारे गौशाला में लगी हुई थी एक चार फीट की लौकी चार फीट की बिल्कुल कितनी बड़ी थी कितनी बड़ी कितनी बड़ी लौकी लगी हुई थी वहाँ पे बांदा ने खा दिया था ना लोगों ने एक तो बीओ की वजह से इस बार हमने लव लेने बोले तो इसमें क्या है सबसे पहले लौकी को कद्दूकस करना उसके बाद उसमें आटा है बेसन मिलाना कौन जा रहा बेसन लेने यहाँ पे अक्कू भी नहीं है तो हम इसे आटे के बनाते हैं आटे के बनाते हैं अब बताना है इसमें पानी भी चाहिए ना एक मिनट में हाथ में नहीं पकड़ना उसे पहले एक गोंडा आटा है ना पहले से हाथ में धोना है इसको इसमें डालना है दबाव पाना है मैं कहा तो मैं पकड़ा ही गिलो है किसी सुखी दुख जाए निरो ला कभी नहीं ला ताया ला ती ये नहीं खोला लिखवे सब्जी के बेस हमारे पकड़ पकड़ा आठ बजे पकड़ मनो दा नहीं जोड़ो बोले सुखी दुख जाए निरो ला सभी नहीं ला ती ये नहीं खोला नीले सफर में बेस आने कभी मिली के आठ हमारे पकड़ खोला अब आधा हूँ भी जाने को एक बार चारे डाउन ना
गाय तो पावन में ना ये चूल्हा भूड़ी रखते हैं उसके तो हमारे चूल्हे में रखते हैं गैस में थोड़ा ना रखते हैं गैस भूड़ी आपको लगेगा कि आपने अपने आवश्यकता के अनुसार पकौड़े बना लिए हैं तो उसके बाद जो कुछ बच जाएगा ना ये मशटा आलन ये इसमें लौकी भी है और आटा सब चीज है। अब इसी को ऐसे ऐसे करके इसको अब गाढ़ा बनाना है मतलब पानी मिला के थोड़ा तरल बना के उसमें डाल देना है। कड़ी में थोड़ा होनी चाहिए ना गाढ़ी कड़ी होनी चाहिए अच्छा। तो ये भी अब उसी में जाएगा। वैसे तो मैं चाहता और लौकी हमारे पास 2 फीट की लौकी थी अच्छा तो अब हम इसको तो 2 फीट की लौकी को तो हमने 2-3 बार की सब्जी ही बना दी। अभी वहाँ लग रहा है जिसको लौकी चाहिए होगी तो वो कृपया संपर्क मत करें अपने खेतों में लग ले बोते और फिर खाएं। हमने थोड़ा ही देने के लिए वो कर रखे हैं 20 चंडे भी लग रखे हैं हम किसी को नहीं देंगे कोई चोरी कर आल तक चूल्हा भूड़ी थोड़ी देर में मैं खा दूंगा गाय चूल्हा भूड़ी ऐसे की शादी नहीं हुई वो चूल्हा भूड़ी मत खाए बहुत दिन में अच्छी बनी हां ना खाए हमने हमेशा खाई है तब शादी में उनकी बरकत आएगी हमारे शादी में कहां आई थी बरकत मैंने तो खाई थी रोड पर रखी थी ना टाइम पे रोड पर रखी थी चाहे सड़क पर रखी थी पर मैंने भी खा रखा है भाई चूल्हे मजा का और इस पे दही तो दही से बनाएंगे कड़ी। तो गाइज इसमें धनिया डालने के बाद अब मैंने डाला इसमें आलन आलन डालने के बाद इसमें हमने मसाले डाले और मसाले डालने के बाद हम इसको खरोलते रहेंगे और उसके बाद अब तो हल्का सा पानी डालने के बाद इसको पतला करेंगे। अब श्रीमती जी डाल चुके हैं दही दही डालने के बाद इसको तब तक खरोलते रहेंगे जब तक ये हल्का उबलने न लग जाए। उबलने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक और नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे पकौड़े क्योंकि अब इसमें एक उमाल आ चुका है। अब इसको गैस का फ्लेम कम करके इसको उबलने देंगे और तब तक उबलने देंगे जब तक ये आवश्यकता अनुसार कम ना हो जाए। तो दगड़ियों फाइनली वेगी टाइम लंच को देखा थाई पर रखे ये छिन हरी मिर्च जो कि मैं लौकी कोफ्ता दा कोलो और स्वामी जी देखा खान लेकिन को वेट भी नहीं करना का और अकेला अकेला सपड़ा सपोड़ी कर लेकिन और अब हम भी कर दन जल्दी लंच मिल दन लंच का ना बाद आप लोगों से रुद्दी चाहिए नहीं। तो दगड़ियों फाइनली शाम की बजगिन 5:30 और 5:30 बजे हम दुई लेगिन बाट फंगड़ा भार इछिन दुई दाथड़ी रखी मेरे हाथ पर हम ये बीज जुड़े अरे उनका दुई जुड़ा और हम जाना घास काटन ताकि जंगरा काटन जाके हम रोज ही जानन और ठटपट्टी वाल फंगड़ा का नाम जब ठटपट्टी ससुर को फोन है भी चल गई तुम भी जाए बस जुड़े मेरी होगा कहीं आने आए फोन फोन आई और जुड़ नहीं पता क्या कर और ना हाँ तो अब काटिए बड़ बड़ काटिए उस बिजली का था बड़ वो भाई वो बड़ काक बेटी का है ना तो ना बटन का ना उबू उबू एक ही जान से सो बड़ बड़ काक ये दिए ये ब्याह हुए बड़ मेरे संग ओ तो अपन हम ही मिले बल जुड़ फाइनली फंगड़ा में पहुंच गए नहीं रखा फंगड़ो अकड़ो राम अब जल्दी जल्दी निपटोना तब मिलदा ना आप लोगों से जल्दी घास काटना बाद या फिर ब्लॉग ये कर दियो ला एंड क्योंकि रोज रोज एक जैसे न्यू हो चाहिए।
तो दगड़ियों यू चुबा ठटपटे वाओ फोंगड़ो ये बड़वा भी गऊँ मथी भी गऊँ और पल्ली साइड भी गऊँ और बाकी घाम देखा यक च और घाम भयंकर वाणो क्योंकि अभी हवा नहीं बैठी वाण तो भयंकर वाओ घाम चो वाणु को इतना भयंकर वाणो है घाम डुबोना बस हाँ क्या डूबी घाम हे बालक ऐसे दुष्ट काम ना किया करो जो कि भगवान भी रुष्ट हो जाए अब जल्दी जल्दी निपटो ना और सौनो मैं ले गए मैं हरी हरी चूड़ी भी नहीं फेरे ना भी तुम दत्ता आप तो मियो फंगड़ा उनो मान्य कर दो राग भ्याग घंटी उन्हें दुनिया पर थी या नकान तान का इंसान जा काम कानून चे तो बीच में क्वा निकारी हूँ चाहिए दो चल जल्दी कर सिर काट खत्म कर दिए आप तो तम प्रधानमंत्री चारों बैठ गए ना चलन बैठी बोल ना नहीं बैठी भाई तानो आई हवा नहीं ना चढ़नी जन आई हवा में चेणी और चला था गुड़ियों तो जल्दी जल्दी निपटोना काम और फिर मिलला अगली ब्लॉग में तब तक टाटा बाय बाय सी यू स्वस्थ रहया मस्त रहया जग भी रहया व्यस्त रहया देखते रहया नीलम राणा उत्तराखंड ब्लॉग और ब्लॉग अच्छी लगा ये तो लाइक करे कमेंट करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और अपने दगड़ियों तक भी भेजा और सुबह मुशोड़ा हो चे चू चूहा चूहा में से मूसा होता है रामदाना मार्चू हाँ तो चलो दगड़ियों फिर बाय बाय ख्याल रखे आप टाटा कर दो बाय बाय हे भाई।